दोस्तों गुजरात टाइटन और केकेआर के बीच में एक मस्त मैच हुआ। ये मैच काफी ही ज्यादा रोमांचक था। इस मैच में ऐसी ऐसी चीजें हुई, अगर आपको वो पता चल जाएगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जीडी की टीम ने आज एक अलग ही इतिहास रच दिया हुआ है। जहां एक वक्त लग रहा था कि ये मैच एकदम सिंपल मैच होगा, वही बाद में जाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। दोस्तों इसी मैच के बीच में हार्दिक पांड्या ने एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया हुआ, जो कि लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। दोस्तों आखिरकार क्या है पूरा मामला, अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमने आपके लिए वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, वो सरप्राइज काफी ही ज्यादा बड़ा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोग को डेफिनेटली मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज डबल हेडर्स मैच था, जिसका पहला मैच खेला गया जीटी वर्सेस केकेआर के बीच में। इस मैच का टॉस जीतती है जीटी की टीम और पहले बॉलिंग करने का निर्णय करती है। बैटिंग करने आई केकेआर की टीम शुरुआत में तो काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने काफी ही बढ़िया पारी खेली। केकेआर की टीम से ओपनिंग करने आए गुरबाज शानदार 81 रन मारते हैं और यही चीज गुरबाज को काफी ही ज्यादा मोटिवेट कर गई। गुरबाज के अलावा आंद्रे रसल ने भी शानदार पारी खेली, इसके बदौलत केकेआर की टीम पूरे 20 ओवर में 179 रन बना लेती है। और फिर जिसके बाद जीटी की टीम बैटिंग करने आती है। बैटिंग करने आए जीटी की टीम शुरुआत में काफी ज्यादा स्लो खेल रही थी। जीटी के ओपनर डब्लू शाह आते साथ ही आउट हो जाते हैं। डब्लू शाह के आउट होने के बाद सुमन गिल एक बड़ी पारी खेलते हैं और उनका साथ देते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन बाद में फिर जीटी की टीम का बैक टू बैक विकेट गिरता है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या और सुमन गिल एक साथ ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं द लॉर्ड विजय, जैसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी खतरनाक पारी खेलेंगे। विजय शंकर शानदार बैटिंग करते हुए पूरे 24 गेंदों में 51 रन बना डाले, जो कि विजय शंकर का ये एक अहम रिकॉर्ड है। विजय शंकर की इसी शानदार पारी के बदौलत गुजरात टाइटन्स की टीम ने केकेआर से ये मैच जीत लिया। बाकी दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।